बैठिए बैठिए। और बताइए ललन भैया कैसे हैं आप, क्या हालचाल? वही हड्डी वही खा ले। चाय पियेंगे मलाई मार के एकदम? हाँ क्यों नहीं। अच्छा ललन भैया के लिए चाय लेके आइएगा। और बताइए मुझे कोई पिक्चर विक्चर देखी क्या आपने? अनिका जी, ये आप मिस्टर हैं क्या? यही तो है मेरे वो। अनिका ये कौन है? अरे ललन भैया है, और कौन है? कौन ललन भैया? अनिका जी ऐसा कि मेरा मन बहुत अपसेट हो रहा है, आपने मेरे बारे में इनको पहले नहीं बताया क्या कभी? मैंने आपको बताया तो था। क्या बताया था? यही कि मेरी चांदनी चमेली उनका मायका इनका घर ही तो है। मायका इनका? मेरी चप्पलें चांदनी चमेली। मेरी सारी चप्पलें ना ललन भैया ही बनाते हैं, सुंदर सस्ती टिकाऊ ललन चप्पलें। रोड पे चलना हो या रोड साइड वजनों की सुताई करनी हो, हमेशा इस्तेमाल करें ललन चप्पलें। चप्पल वाले को घर पे क्यों बुलाया? समझी नहीं मैं, मतलब? अरे मतलब तुम्हें अगर जूते चाहिए होते हैं, but I've called a good shoe designer, it's no problem. हाँ, फिर shoe designer हमें लूटता, यही तो problem है। हम अमीर बोलना नहीं चाहिए, but है। हाँ, आपको ना पैसे बचा के रखना आता ही नहीं। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं अपनी गली से इस बड़े घर में आई हूँ, लेकिन अनिका अभी भी वही वाली अनिका है, बदली नहीं है, सेम टू सेम पैसे बचाओ मिडिल क्लास अनिका। आप मुझे चप्पलें दिखाइए, दिखाइए ललन भैया। ये वाली? नहीं मजा नहीं आ रहा। ये? अच्छा इसके बारे में सोचती हूँ, कोई और दिखाइए। सारी दिखा दो ना यार। ये है आपके लिए सबसे अच्छी सस्ती और टिकाऊ चप्पल। अच्छा कितने की है? बस 1500 की। 350। वैसे तो ये 300 से ज्यादा की नहीं है, लेकिन 50 रुपए में आपको एक्स्ट्रा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपका मेरा पुराना रिश्ता है। लो कर लो बात। ये चप्पल शिवाय मुझे सर पे नहीं पहननी मुकुट की तरह, ये मेरे पैर में आनी है, तो 1500 रुपए दे दूं क्या? जस्ट 1500 रुपीज। आप रहने दीजिए, मुझे संभालने दीजिए, मैं संभाल रही हूँ ना। सुनिए डील हो गई है, 400 रुपए। ओके ओके जस्ट डू इट। या ये लीजिए 400 रुपए। पूरे 400 पहन के तो देखो कैसी लग रही है मेरे। अच्छा तो हाँ ओके, चल के देखो, चल के देखो। सुनिए ना आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सेल्समैन हैं आप? हाँ ऐसे मोल भाव करेंगे तो आप फायदा कैसे होगा? सख्त कमी है आप। क्या करें अनिता? एक मिनट, जीत के आ गए आप, अभी तक गए नहीं? अरे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा, अभी जा रहा हूँ। क्या कर क्या रहे थे आप? सिर्फ भागेन करना हमें शोभा नहीं देता, जस्ट लेट इट लेट बी। दुनिया के लिए पैसे उड़ाओ तुम मिचमिची, आपके लिए पैसे बचाओ तुम मिचमिची। अबे यार सही कह रही है, रिश्तों के बीच मेरा पैसा आ ही जा। अरे आने का तुम कौन सी बात कहां की कहां ले जा रहे हो यार। इट्स सीरियसली गाइस, तुम दोनों का अपना अलग शो होना चाहिए। सॉरी कुछ ओ डिड यू, मेरा फोन रह गया था। ए एक सेकंड केके, भैया का फोन रह गया है एक्चुअली, पूल साइड पे देख। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग मेरे शो पे इतने सेलिब्रिटीज आ चुके हैं, क्यों ना पड़ोस के सेलिब्रिटी भी मेरे शो पर बुलाए जाए। हाँ ठीक है, मैं इन्हें भी साथ में ले आऊंगी। कोई आने का, ये तुम्हारी बात कर रहा था, तुम ही सेलिब्रिटी हो। थैंक यू, तुम मुझे भी लेके जा रही हो, थैंक यू। अच्छा मुझे पहले एक बात बताइए, हम इस शो में करेंगे क्या? वही जो आप रोज करते हैं। व्हाट डू यू मीन? डिबेट। पत्नी वो जो पैसे बचाए और पति वो जो जो पैसे उड़ाए। उड़ाए नहीं, मैं चाहता हूँ कि फजूल में किसी और का हक मारना इज नॉट राइट, राइट? एग्जैक्टली, हम शो पर यही करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी फन। अच्छा मेरा शो दोपहर 12 बजे आता है, शो कल 12 बजे। हाँ हाँ हम एकदम 12 बजे पहुंच जाएंगे डॉट। गाइस अरे मिल गया, आई एम गेटिंग लेट, ओके मुझे रेडियो स्टेशन पहुंचना है कल 12 बजे। शार्प, डन, सी यू। तुम्हें ऋषभ कैसा लगा? अच्छा लड़का है, अपने भाई से बहुत प्यार करता है, उसका इतना ख्याल रखता है, मुझे तो अच्छा लगा। देखा वो मना किया ना रुद्र, नहीं करना मतलब नहीं करना। ऐसे कैसे नहीं करना, करना पड़ेगा। क्यों? क्या हम पूछे कि किस बारे में बात हो रही है, हम रहने दें? नहीं मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैं बताता हूँ, देखो दादी ने कहा था, हम दोनों को कहा था कि जैसे आपका और भाभी का जॉइंट अकाउंट है वैसे एक अकाउंट हम भी खुलवा। हाँ तो खुलवा लो ना, प्रॉब्लम क्या है? देखिए आप गलत मत समझिएगा, हम अपने रिश्ते में पैसे को नहीं आने देना चाहते। अगर सच बताओ तो मैं जॉइंट अकाउंट तुम्हारे पैसे लेने के लिए नहीं खुलवा रहा यार।
सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। Judy, that's really sweet. पर देखो, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, हम एक पुलिस ऑफिसर बने हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, इसलिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। और हमें ये फाइनेंशियल फ्रीडम पसंद है, ये तो अच्छा लगता है। ये मुझे भी पसंद है, ये इनको भी पसंद है। और भैया, आज तक हमारे बीच में कभी पैसे को लेकर प्रॉब्लम आई है? कभी नहीं आई। मतलब बात यहाँ तक है कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल भैया पे करते हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पर मैं भैया पे डिपेंडेंट। अब कोई अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करना हर महीने भूल जाए तो किसी को तो घर में देखभाल करनी पड़ेगी। पर एक बात याद रखना, पैसा होता है ना वो बरसात की तरह है, और रिश्ते होते हैं वो घर की तरह। अगर आपका घर मजबूत हो तो बरसात अंदर नहीं आ सकती, और हमारा घर बहुत मजबूत है। लेकिन वो इस वक्त घर की बात नहीं कर रही है, वो घर वालों की बात कर रही है, या यूं कहो घर वाली की बात कर रही है। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मतलब ये है कि मैं काफी हद तक भव्य की बात से सहमत हूँ। अपनी कमाई होती है ना आखिर। जब एक लड़की पैसे कमाती है तो उसके हाथ में सिर्फ पैसा ही नहीं आता, उसके हाथ में कॉन्फिडेंस आता है, उसके हाथ में ताकत आती है। और जब मैं पैसे कमाती थी, मैं अपने सारे खर्चे खुद करती थी। पर दोनों में फर्क क्या है? वो भी मैं बताती हूँ। अब जब मैं और आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आप मुझे वो पीछे वाली सीट जो आईलाइनर रोल है, रिक्लाइनर, हाँ जो भी है वो ही, उस पे बैठाते हैं ना, तो उस पे मैं एकदम पसर कर बैठती हूँ, सर झुका कर बैठती हूँ, और हाँ रजाई लेके फिर मैं पिक्चर को देखती हूँ। जब मैं और साहिल पिक्चर देखने जाते थे ना, तो हम लोग फ्रंट रो की सीट होती ना उसमें एकदम आगे की सीट पे बैठ जाते थे और सर उठा कर देखते थे। तो जब मैं पैसे खर्च करती थी पिक्चर देखने जाती थी तो सर उठा कर पिक्चर देखती थी, लेकिन जब मैं आपके साथ जाती हूँ तो सर झुका कर पिक्चर देखती हूँ, क्योंकि खर्चा कौन कर रहा होता है। हाँ तो ठीक है, आप खर्चा समझदारी से कर लेना, फ्रंट रो ले लेना, आप फिर भी मुंह उठा के देखो। Judy, मतलब इमोशनल डायलॉग में भी कहाँ से तुम लॉजिक। सॉरी, तो सच कहूँ तो मेरा मानना है कि लड़की को अपने पैसे खुद कमाने चाहिए। एग्जैक्टली, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम पुलिस फोर्स रीजॉइन कर रहे हैं। क्या? कमिश्नर सर का फोन आया था और हमने उन्हें हाँ कर दी है। बहुत अच्छी बात है ये तो। भव्या, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। शंकर जी तुम्हें ढेर सारी तरक्की दे। थैंक यू भाभी। कांग्रेस भाभी। थैंक यू। एक मिनट, Judy। या? अब जब भव्या तुझे हग करेगी, आई मीन कल के बाद, तो Judy क्या कहेगा? मुझे बचाओ, मुझे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। ओ यार, नॉटी शहरी करते हो, सीरियस वाली क्या करो? एक्सक्यूज मी, ज्यादा नहीं हंस रहे आप? हंसना बंद कीजिए और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स खुद पे कीजिए। बड़े आए। थक गया हूं मैं। अरे पर मैं अपना जो विजिटिंग कार्ड है और जो बर्थडे कार्ड है उसका बिल खुद पे करता हूँ। नहीं नहीं सुन रहे। ड्राइव पे चलोगी मेरे साथ? गाइस, एक्सक्यूज अस।